अभी हम होटल से निकला है, खाना वाना खा लिया, और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नाम क्या है उसका? हर की पौड़ी जा रहे हैं हम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। इतनी सर्दी है कि काफी ज्यादा सर्दी है, मास्क भी लगाना पड़ेगा। मास्क मेरा जेब में रखा हुआ है। लेकिन जी मैं मिला, मैंने दोस्ती कर ली, तुम मेरे हाथ का खा के गए, उसके बाद तेरा पर्स लूट गया, उसके बाद तुम पुलिस के पास आ जाए। लोग तो फ्रेंडली है वैसे भी यहाँ के काफी, ना लोग ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे ना जो बाहर गए यहाँ पे। अच्छा, ऐसा ना जहर कुरान होता मेरे भाई, सुन ठीक। और उसने तुझे बिस्कुट में किसी में कुछ चीज मिला के खिला दिया, भाई चाय पीते हो सकता है। हम बहुत दूर से आए राजस्थान से, तो हमें कुछ पता भी नहीं है यहाँ का, है ना? है वैसे कुछ नहीं है, घूम सकता है, फेर सकता है, ऐसा कुछ फोटो खींच सकता है, लेकिन जो गलत चीज़ है वो गलत है, ठीक है मेरे। और ये मार्केट कितने बजे तक खुली रहती है? रूम वगैरह कहाँ है? रूम तुम्हें इधर मिल जाएगा, रूम तो जहाँ चाहे वहाँ जाए वगैरह। जैसे मार्केट तो ये ओपन ही रहती होगी रात भर? ना ना, आजकल नहीं है, वो जब से लॉकडाउन लगा तब से कोई पूछ रहे हैं भैया, है कि थोड़ा लोगों से सतर्क रहना, मतलब ऐसा ना कुछ लोग ऐसे नेपाली तरफ के नेपाली वो है समुदाय के लोग हैं, तो क्या करते हैं कि तुम्हें जैसे दोस्ती कर लेंगे और तुम्हें खाना पीना खिला लेंगे, तुम्हें पैसे कुछ वगैरह तुम्हें कुछ साथ में लूट लेंगे। नेपाली लोगों का वो है, कई चीज़ है नेपाली है, जैसे तेरे जो है ये जो है तेरी भाषा में कोई बात कर लें। घूमना थे ना, उसके लिए हमें पचास मीटर में पुलिस लगी हुई, 500 मीटर पुलिस लगी है, यहाँ पर पुलिस होगी, हर पुलिस होगी, पुलिस है उससे आगे रोड पे पुलिस है। लेकिन अगर तुम्हारी गलती है कि तुम्हें अगर जैसे मैं तेरे भाषा में भाग तुमने किसी को खा लिया, उसके बाद तुम लुट गए, और उसके बाद तुम ऐसे आ रहे हम महिपाल भाई ये तूने अपना तूने का ये मोबाइल पकड़ लिया, तुम्हें अभी यार फ्रेश हो गए, वो मोबाइल लेके चल गया, तेरा वो लेके चल गया, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने पड़ती है, बाकी घूम सकते हो। ओके नमस्कार। हमारे यहाँ नहीं है सर, हमारे यहाँ इधर की बात अलग है, तुम्हें यहाँ हम चाय पी रहे थे एक बार, तो वैसे ही नहीं, अब ऐसे लग नहीं रहा कि हम, हमें डर लगता है एकदम, मतलब हमारे यहाँ से यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, तुम्हें रास्ता सही बताएंगे, वो भी ऐसी नहीं दिक्कत आएगी जहाँ पे। तो ये है कि यहाँ पर जो लोग बाहर के हैं, जैसे वो हैं, वो जैसे नेपाली आदमी है, अगर उसने तुझे नेपाली में देखो, तो नेपाली में बात करी, उसने कहा कि तू यहाँ का, मैं जिले का हूँ, और ये है तुम्हें भाई साथ रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, उसने कुछ खिलाया तुम्हें कोल्ड ड्रिंक, उसने कहा चल कोल्ड ड्रिंक, कितनी बात करनी है यहाँ लुट जाता आदमी, बस थोड़ा ये है कि यहाँ पर बाहर के लोग बाकी यहाँ वालों से निपट करो, दूरियाँ बना कर रखे हैं, दूरियाँ तो बना जी सकते हैं, चलते कोविड 9 भी है, वो भी है, उसके लिए तो थोड़ा मास्क पहन के रखना का ओके है, बिल्कुल क्योंकि उसमें 200 का चालान हो, अरे जरूर जरूर है हमारे पास, अरे यार पुलिस वाले ये भाई साहब थे, क्या नाम बता रहे थे अपना, महिपाल सर थे, ये काफ़ी अच्छे थे, उनकी जो बात करने का तरीका था और काफ़ी सारी बातें बताई थी कि ऐसे ऐसे रहो, और हमारे यहाँ की धौलपुर की पुलिस की बात ही अलग है, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। पुलिस वाले ने क्या किया, ये जो था बलजीत हमारा, ये मास्क नहीं पहना था, तो उसने ऐसा नहीं किया कि चालान काट के, उसने इससे बोला था कि भाई साहब मास्क पहन लेना, काफ़ी देर बात करने के बाद भाई साहब मास्क पहन लेना, नहीं तो 200 रुपये का चालान रहे, तो ये सही बात है उनकी, उसने डायरेक्ट चालान नहीं किया, उनने मास्क पहनने के लिए बोला था कि नहीं तो चालान कट सकता है, आगे कट सकता है, हम नहीं काटेंगे, तो ये ठीक है। ये भाई है हमारे, क्या नाम है आपका? श्रीराम मगन। श्रीराम मगन ये हमारे दोस्त बने अभी अभी नए हरिद्वार से, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाए कुछ देर में, कुछ दिन में, तो ठीक है चलते हैं, बाय बाय, ठीक है घूमना है तो भाई भाई भाई। दोस्त है। भाई भाई। ठीक है चलो। तो अब हम हर की पौड़ी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, अभी ये मार्केट है हरिद्वार का, ये हर की पौड़ी जाते टाइम रास्ते में आपको मार्केट पड़ेगा, वहां पर गाड़ी वगैरह जाने के लिए रास्ता जो है ब्लॉक है, तो अभी हम ऐसे जाएंगे और हर की पौड़ी पहुँच कर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, नाइट में कैसा व्यू है, हम दोपहर में पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन नाइट में ज़्यादा मज़ा आता है आपको घूमने में, चलो दिखाते हैं, हम पहली बार जा रहे हैं, चलो
ये एक दुकान है यहाँ पर, देखेंगे क्या मिलता है। अगर मुझे किसी से डर लगा तो भैया अच्छा भैया नाम है हमारा। अब पान तो खा लो तुम, पान इतना 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 गुटखा मत खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। तो क्यों आए बगवा तुम यहाँ? अदनी जब ठंड लग रही थी तो सो देना घर पे। तो भाई ये जो हम रास्ते पे चल रहे हैं ये बहुत ही सुहाना बहुत ही प्यारा रास्ता है, और यहाँ से चलते चलते काफ़ी दूर चल रहा है, हम लगभग 1 किलोमीटर तो चल गए और हम पहुँचने वाले हैं पुरकी। कहाँ पहुँचने वाले वे? पुरकी पेड़ी। मैं नाम भूल जाता हूँ एक तो हर बारी। ठीक है अभी पहुँच के बस ब्लॉक करते हैं, मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, ये कैमरा इतना भारी है। कैप्टन जैक स्पैरो। यहाँ पर पता नहीं कौन ऐसे तगड़े तगड़े गाने सुनता है, पता नहीं यहाँ पर ऐसा सुनने वाला कौन है भाई। अभी हम एंटर कर चुके हैं हरकी पुड़ी है ना ये। वैसे अब तक वहीं पे थे लेकिन जो मैं यहाँ पर मंदिर है क्या है वहाँ पर एंटर कर चुके हैं और जाके व्यू देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। तो ये देख लेते हैं ये यहाँ पर गंग नहर क्या व्यू है, क्या तगड़ा व्यू आ रहा है, लेकिन कैमरे में पता नहीं मैं ये दिखा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर भाई व्यू आ रहा है ऐसा तगड़ा। यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है इधर से उधर और ये सामने कुछ तो है मंदिर है साइड में पीछे, और आगे देखो अभी ये क्या सीन है बे? क्या है ये? अबे आप मार्केट कितनी सही लग रही है। हम अभी वहाँ थे और अभी हम नीचे आ गए हैं। ये पानी है गंगा नहर है, अभी ये कितनी प्यारी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। हरिद्वार पल जी तू नहा सकता है इसमें अभी? कोई नहा सकता है दोनों में से? नहा तो सकते इतनी ठंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नहीं नहा सकते। और वो जो हरिद्वार में फेमस है शंकर जी की जो मूर्ति वो है वहाँ पर है, काफ़ी दूर है हम। और सर्दी इतनी है मैं ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ भी जम गए हैं। अपने यहाँ से नॉर्मल से ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर, अपने यहाँ कभी पड़ती नहीं ऐसी सर्दी, गोरा वोरा नहीं है लेकिन सर्दी बहुत है बहुत ज़्यादा तगड़ी। शिव शंभू अभी हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, अब हम सुबह आएंगे क्योंकि यहाँ से व्यू रात में इतना तगड़ा नहीं आ रहा, हम देख पा रहे हैं लेकिन कैमरे में नहीं दिखा पा रहे हैं ऐसा व्यू आ रहा है, लेकिन अभी सुबह का प्लान बन गया, सुबह आएंगे। हाँ ले लो अभी तो हम नहाए भी नहीं। तो भैया रात को कौन नहा रहा? रात को जो आते हैं जल पी के प्रसाद लेते हैं, इसे कोई दिया जला रहे रात को थोड़ी जलाए, रात को नहीं नहाएगा कोई, नहाने का काम पितरों का काम सुबह सुबह ही होता है। हाँ
ले ले काले को बता। इस मार्केट से आने जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक जिधर से आप आओगे, एक जब हरकीपुड़ी घूम के आप वापस जाओगे। तो जब हम उधर से आए थे तो उस साइड का सारा मार्केट लगा हुआ था, और जब हम वापस जा रहे हैं तो इस साइड की सारी जो दुकान वकानें हैं सारा मार्केट बंद हो चुका है। पीछे सारी दुकानें भी बंद हैं और लाइट वाइट भी कम हो गई है, तो इसीलिए हमने सुबह का प्लान बना लिया है। क्या चीज़ें हैं ये? बिस्किट। चाय सिखाने वाले कितने का ये? और चाय बना दो कितना? कितने कितने वाली चाय है? और 10 वाली कुल्लड़ वाली है? नहीं। अच्छा बना दो, सही सी बना देना। पर क्या बढ़िया बनी। ठीक है, हम बैठे हैं, और दूध ज़्यादा डाल देना और इलायची वगैरह सब कुछ ऐसा जो अदरक डाल देना। ठीक है, जुकाम हो रहा है बहुत तगड़ा वाला। चल बैठो। जब से हम हरिद्वार में आए हैं तब से तीन चाय पी चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबों पर, होटल पर और काफ़ी जगह पर। ये हमारी चौथी चाय है और ये हम ट्राई करेंगे कैसी है। ये बिल्कुल ही हर की पौड़ी में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और होटल के थोड़ी सी दूर है, वहाँ हम चाय पीने आए हैं। अभी रात हो रखी है, 10 बजे है रात के, और काफ़ी भीड़ भी कम हो गई है, और दुकान वकान पीछे सारी बंद है, और चाय पिए। बहुत तगड़ी भाई, ठंड पड़ रही है। और ये यहाँ के कुछ अलग से तो नाश्ता ना दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे रवि है एकदम पुलिस। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है, मतलब तीन बार चाय पी चुके हैं हमारे द्वार में, एक भी जगह अच्छी नहीं लगी, और यहाँ तो अलग ही टेस्ट आ रहा भाई इतनी सर्दी में। हटियो ने ओ भाई एक रामू की फोटो खींच लिया यार, ऐसे कोई नहीं खींचने को यार, हम शहर में दिखाएंगे तो जाके मूंगफली वाला है। हाँ बिल्कुल, तो दूर से खींचो तो पूरी। अभी हम होटल में आ गए हैं और काफ़ी रात हो चुकी है। हम लोग ऐसे ही नाइट में बाहर घूमते रहते हैं, बाकी सब जो हैं हमारे साथ वो तो सो ही जाते हैं, और हम लोग ऐसे नाइट में घूमने में मज़ा आता है, और इससे ज़्यादा रात में अगर वहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पर लाइट बार बार पर बंद चालू हो रही है। चले यहाँ से निकल भी। गुड मॉर्निंग, तो आज हम जा रहे हैं रस की पूड़ी, नहीं मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, कावरे हर की पूड़ी। तेरी माता भो, भोले बाबा।